टीम बुढ़ादेव के लिए छोटे कट के हैं लेकिन जबरदस्त
चहल कदमी करते हुए हेलो इस बार जल्दी तो वापसी जो की थी टीम जारी पार ने उस पर पानी फेंकते हुए टीम दुहाने के खिलाड़ी लेकिन इस खिलाड़ी से बच कर रहना होगा। 12 नंबर की जर्सी में धरोहर है दारीपाट की ओर से, छोटे कपड़े के शानदार खिलाड़ी है धरोहर और उस खेल का प्रदर्शन अभी तक करते आए हैं। इस मुकाबले में भी करना बहुत ही जरूरी है उनके लिए। ये 7 नंबर की जर्सी में भीम है, छोटा भीम है, ये टीपीएल के और देखना होगा क्या उसी प्रकार का खेल देखने को मिलेगा। भी पिछले कुछ मैचों में काफी शानदार प्रदर्शन देखने को मिला इस खिलाड़ी के द्वारा भी। छोटे कद के हैं लेकिन छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। 7 नंबर की जर्सी में खेलते हैं, धोनी की जर्सी में खेलते हैं, जब क्रिकेट में धोनी खेलते हैं और पीली जर्सी है तो काफी खुश है मेरे साथी गोलकीपर मेरे भाजा श्री, क्योंकि धोनी के डाई हार्ड फ्रेंड है। इस बीच 7-13 का स्कोर, पांच खिलाड़ियों के बीच चहल कदमी करते हुए उन्हें पता है इस सेमीफाइनल के बड़े मुकाबले ने 6 अंकों की बढ़त शुरुआत से ही बना के रखी है। काफी शानदार खेल का प्रदर्शन दुल्हादेव के द्वारा देखने को मिला पिछले मुकाबलों में भी और इस मुकाबले में भी डोमिनेट करती है दुल्हादेव की टीम। खाली हाथ वापस आते हुए सनी जाते हैं काफी बड़ा मार्जिन उनके पास और अंकित रेड करते हुए ललुका ब्लॉक से बिलोंग करते हैं अंकित। इस बार पकड़े जाएंगे और किसने पकड़ा चार नंबर के कृष्णा के द्वारा और अब दो डायरेक्ट में है पंकज। यहां भी चार खिलाड़ी के बीच पंकज रेड करते हुए और पॉइंट और यही सबसे बड़ा कारण रहा है टीम दारी पार करती करने का। लेकिन वापसी करनी होगी यशवंत को, मैच में जरूर वापस आए हैं, देखना होगा क्या वो अपने खेल में भी वापसी करेंगे। जी हाँ अभी तो मेरे कम गर्मी नहीं हो पाई है यशवंत को, सभी जानते हैं कितने खतरनाक खिलाड़ी है यशवंत, पिछले सीजन के चैंपियन रह चुके हैं टीपीएल के यशवंत की टीम। क्या इस बार वही कारनामा कर पाएंगे? लेकिन अभी तक 7 साल चलता हुआ यशवंत के लिए टूर्नामेंट मिला जुला रहा है। जी हाँ इस मरतबा रेड पर लव लेकर के खिलाड़ी दीपक रेड पर है। अभी तक जो पायल मार रहे थे बारी पाट के और उनको भी मार कर ऐसा दिखा दिया है स्वयं कप्तान ने और कप्तान चले श्रीलंका लागे मुंह मांगा से सुपर टेकर का मौका है। रेस पर गए हैं दीपक, लगातार पॉइंट के लिए कोशिश करते हुए दीपक इस खिलाड़ी को पकड़ेंगे, 2 पॉइंट मिलेंगे द्वारी पार को, लेकिन अभी तक इनको रोकने में असफल रही है और मुझे जहां तक याद रहा था अभी तक सिर्फ 2 बार ही टेकर के रूप में इनको बाहर किया गया है पूरे टूर्नामेंट। जी हाँ
प्रयास किया है और बिल्कुल बजट मिलेगा। इसको जब पहुंचा 11-17 और पूरा चले दीपा तीन खिलाड़ियों के बीच लगातार जिस प्रकार का खेल पूरे टूर्नामेंट में खेला है काफी शानदार। रेल में डिफेंस में दोनों मिला है धीरज कुमार है कमनार मिल पारा के खिलाड़ी है दो बार ऑल आउट हो चुकी है पहले ही हाफ में टीम द्वारी बात पूरे टूर्नामेंट में और जीत रही थी टीम द्वारी बात लेकिन सेमीफाइनल में काफी तगड़ा टक्कर देती हुई टीम बुरादेव तो हाफ टाइम के बाद पुनः खेल प्रारंभ होता हुआ और पहली रेस है सनी हाउस टीम द्वारी पार्ट का ठीक मध्यांतर से पहले ऑल आउट दिया था दूसरा ऑल आउट पहले ही हाफ में तीन नंबर की जर्सी में सनी रेड पर पहला ही रेड है हाफ टाइम के बाद खाली यहां मौका जाते हुए सनी 11-22 में चुकी है 11 पॉइंट की बड़ा है दूल्हा जो के पास इस पहले से इंसान के मुकाबले यहाँ पॉइंट मिलेगा बोनस और गए खुशी से गेम बोनस के वापस अपने गेम में गए हैं पॉइंट लेकर आए हैं 23-13 की स्थिति है 14-23 हो चुका है स्कोर 9 पॉइंट की बराबर। सबसे अच्छी डिफेंस अभी तक द्वारी पार्ट की मानी जाती थी लेकिन अगर द्वारी पार्ट का डिफेंस भी दीपक को टैकल नहीं कर पा रहा है तो कौन कर पाएगा वहां भी। जी हाँ और देखा गया है कि इस पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ दो बार ही टैकल के रूप में बाहर हुए हैं दीपक इस बार दोनों पॉइंट लेकर वापस आएंगे अपने टीम में 2 पॉइंट लेकर वापस आते हुए दीपक तीन खिलाड़ियों को दीपक को रखना जरूरी दीपक चार डिफेंडरों को भी 6 नंबर की जर्सी में कम से लेकर पर जो हमें अभी ऐसे इस खिलाड़ी के ऊपर काफी दारों के बाद धरोहर है 12 नंबर की जर्सी में अभी तक काफी अच्छा खेल का प्रदर्शन इस मैच में भी रहा है और पीछे जो मैच खेलने में भी रहा है लेकिन इस मुकाबले में एक महान मुकाबला है सेमीफाइनल मुकाबला है धरोहर को चल रहा होगा पॉइंट लाना होगा अपने टीम के लिए और टीम के डिफेंस के लिए दीपक सुपर टेकल करवाता है लेकिन सामने है दीपक ऐसे रेडर जिनको इस पूरे टूर्नामेंट में अभी तक जितने मैच खेले उसके बाद बाहर भी नहीं कर पाई है टीमें पर इसको 14 पॉइंट और फिर आ जाए दीपक खिलाल देगा खेला है गुरु जी नहीं देखी सकी तो नहीं बना ना एक बच्चा गलत हो गया था
देखा थे ना तुझे सर सरव जी इसमें मुझे संख्या है बाबू जी तीन नंबर की जगह कोई और डिफेंस है और उसने एक बात और ही हुई है यहाँ द्वारी पार की टीम द्वारी पार की ओर से ये स्वर्ग पे चलना होगा लगातार पॉइंट लाने होंगे मल्टी पॉइंट वे लगाने होंगे भाषा को राशि करनी चाहती है तो जी हाँ जीत लोग ये स्वर्ग तो वो नाम वाले ये स्वर्ग बन के नहीं हुए हैं जिसके लिए जाने जाते हैं एक फ्रंट लाइन रेडर के रूप में खराब है ये स्वर्ग लेकिन अभी तक और इस खिलाड़ी ने हर रेड में पॉइंट लिया है अभी तक इनका एक अपना अलग ही तरीका है रेड करने का ज्यादा चहल कदमी नहीं करते लेकिन जो इनके पैर में जो झटका है वो अजीबोगरीब झटका 14-33 की स्थिति 17 अंकों की बढ़त 19 अंकों की बढ़त जी हाँ 19 अंकों की बढ़त काफी बड़ी बढ़त कही जा सकती है उनका सेमी भारत मुकाबला प्रेशर मुकाबला है और अगर वापसी करनी है जारी बात को तो मनोहर और यशवंत दोनों के बारे में आप संभाल रहे हैं मल्टी पॉइंट रेड लगाने होंगे जी हाँ पिछले मुकाबलों में अभी केस ने भी अच्छा साथ लगाया था लेकिन सर इधर आओ सर पंकज इनका 90% हो जाए ये भी दो अलग रेड है विभाग गोपाल है रेड पर सूरज देव के जहाँ पांचों डिग्री है वहीं मुंह में मोटी चूर के लड्डू है माता काफी शानदार जी हाँ इस खिलाड़ी को रोकना बहुत ही जरूरी है भारी बात के खिलाड़ियों के लिए अभी तक इस खिलाड़ी को किसी भी टीम के लिए लगातार रोकना असंभव साबित हुआ है क्या उस असंभव को संभव करके कुछ वापसी कर पाएगी यहाँ भारी बात या फिर दीपक अपने बढ़त को लगातार मजबूत करते हुए इस मैच में अपनी पकड़ को मजबूत रखेंगे देखना होगा बचे हुए समय में किस प्रकार की टीम खेलेगी चोट से वापसी कर रही है अंतिम 5 मिनट से भी कम का खेल शेष है और 18 पॉइंट की बढ़त है गुलाब के फेवर में जो कि एक बहुत ही बड़ी बढ़त कही जा सकती है इस सेमीफाइनल मुकाबले में पूनम चले अभिषेक अभिषेक स्वयं जीते कहा है स्वयं कप्तान चले हैं सीना पान लीडिंग चार में अपना खेल फेस है 21 पॉइंट
तरफा चलता है मुकाबला, पहला सेमीफाइनल मुकाबला, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का अपने अपोनेंट को मौका नहीं दिया है गुराजों की टीम ने वापसी का। जी हाँ, जब से ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुई है तभी से गुराजों का जो टीम कॉम्बिनेशन है वो देखते हुए लग रहा था कि एक फाइनल की प्रबल दावेदार टीम है, और इसी तरह का खेल उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में अभी तक दिखाया है, और धीरे धीरे फाइनल की ओर प्रवेश करती हुई टीम गुराजों सेकेंड बॉल सेकेंड सेमीफाइनल जय मां शारदा वर्सेस जय मां केसरी। अगर इस खिलाड़ी ने पॉइंट लेकर नहीं गया अपने टीम के लिए तो दो पॉइंट दे कर जाएंगे। सब्स्टिट्यूशन के रूप में आए हैं और आते ही रेड पर आया है, दो आधाई रेड है। और एक बड़े मार्जिन से धीरे धीरे फाइनल की ओर प्रवेश करते हुए टीम गुहागेव